क्या मैं टॉयलेट जा सकती हूँ, ये पूछने के लिए मेरे पास देखिए चार तरीके हैं। मे आई गो टू द टॉयलेट, कैन आई गो टू द टॉयलेट, कुड आई गो टू द टॉयलेट, माइट आई गो टू द टॉयलेट। वैसे तो बचपन में आपने इसी का यूज़ किया होगा आई एम श्योर। मे आई गो टू द टॉयलेट सर, मे आई गो टू द टॉयलेट मैम, यही पूछते हैं। बट हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं, तो फ़र्क क्या है, कब किसका यूज़ करना है ये जानना ज़रूरी है। अगर आप देखिए सबको सेम है, केवल और केवल ये वर्ड्स अलग हैं। ये जो हैं मे, कैन, कुड, माइट, ये हैं मॉडल वर्ड्स। गाइज मॉडल वर्ड्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आप ये समझिए कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, मतलब सभी मॉडल वर्ब्स आज आप सीखने वाले हैं। कौन कौन से देखिए आप सीखने वाले हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, will, would, must and ought to। ये जो ought to है यहाँ पर आप देखेंगे ये to लगा है और किसी में नहीं लगा है, इसे इसीलिए सेमी मोडल वर्ब बोला जाता है। ठीक है, तो ये हैं हमारे मोडल वर्ब्स यहाँ से लेके must तक, वो सेमी मोडल। ये हम यूज़ कब करते हैं, देखिए अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी ऑल हेल्पिंग वर्ब से, अगर ना देखा हो तो देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, क्लिक कर लीजिएगा आई बटन पर। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ब्स के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ज़रूरी हैं और हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर ही मॉडल वर्ब्स ही आते हैं। आप यहाँ ये वर्ड देख रहे हैं ना ऑक्सिलरी, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये हम यूज़ कब करते, देखिए जब हमें एबिलिटी बताना हो, योग्यता बताना हो, जैसे मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती थी, तो हम इसका यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, जैसे मैं बोलूँ हाँ वो घर पर होगा, ठीक है, तो मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तब हम यूज़ करते हैं। परमिशन, जैसा कि आपने देखा कि अगर भाई अनुमति लेनी है तो हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब इनमें से किसी का। इंटेंशन इरादा, ऑब्लिगेशन कर्तव्य, ऑफर हो गया, नेसेसिटी कि ये चीज़ करना ज़रूरी है। गाइस ये सारी बातें आप रोज़ करते हैं तो इनके बिना वो पॉसिबल नहीं है। आज हम डिटेल में ये समझने वाले हैं कि किसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मतलब कैन को हम कब कब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्या कुड कैन की पास्ट फॉर्म है, हम कुड को कब यूज़ करते हैं, विल को कब यूज़ करते हैं, वुड को कब यूज़ करते हैं, सब कुछ डिटेल में। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो में एंड तक बने रहना होगा ताकि आप डिटेल में सब कुछ समझें, और ये बहुत ज़रूरी है। गाइस माय नेम इज़ कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स बिगिन। तो हम शुरुआत करते हैं मे और माइट से। ध्यान रखिएगा कि हम कंपेयर करेंगे, वो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये समझ पाएँ कि अगर भाई हम दोनों का यूज़ कर रहे हैं तो फ़र्क क्या है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको मॉडल वर्ब्स दिखेंगे, यहाँ उनके फंक्शंस दिखेंगे और यहाँ एग्जाम्पल्स। तो जो फंक्शन यहाँ होगा उसके जस्ट सामने उसका एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। बात करते हैं मे की, देखिए मे इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी, मे इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी मतलब ये संभावना बताता है। अब हम घूम के यहाँ भी आते हैं, माइट ऑल्सो इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना बताने के लिए हम दोनों का यूज़ करते हैं। यहाँ क्या है, कियारा मे अराइव लेट, मतलब कियारा देर से आ सकती है। यहाँ क्या है, आई माइट ऑर्डर पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा ऑर्डर कर सकती हूँ। अगर हम दोनों का यूज़ कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के लिए तो फ़र्क क्या है, अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो हम यूज़ करते हैं मे, अगर उससे भी कम है तो हम यूज़ करते हैं माइट, यही फ़र्क है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर भी माइट यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटी कितनी है। फिर आते हैं यहाँ, मे आस्क्स परमिशन, मे गिव्स परमिशन, मे रिफ्यूज़ेस परमिशन, मतलब परमिशन लेना हो, परमिशन देना हो, रिफ्यूज़ करना हो, सब के लिए मे का यूज़ होता है। ये फॉर्मल 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 एंड एम्फैटिक, एम्फैटिक मतलब जहाँ आप जोर दे के बोल रहे हैं, तो फॉर्मल सिचुएशन में मे का यूज़ हो रहा है। यहाँ आते हैं माइट आस्क्स परमिशन, वेरी पोलाइट। ठीक है, वेरी पोलाइट का मतलब हो गया अगेन कि आप फॉर्मल सिचुएशन में इसे यूज़ करें, बट यहाँ परमिशन देने के लिए नहीं हमने दिखाया है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो परमिशन मांगने, देने और रिफ्यूज़ करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। मे आई रिस्पॉन्ड, क्या मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। यू मे एंटर, तुम प्रवेश कर सकते हो, भाई परमिशन दे दिया। स्टूडेंट्स मे नॉट वेयर जीन्स, अगर ये बोल दिया गया मतलब अलाउड नहीं है, जीन्स नहीं पहन सकते स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर कट एम्फैटिक है ये। यहाँ पर क्या है देखिए, माइट के साथ जब हम करेंगे, माइट आई यूज़ योर फ़ोन, तो आप मे आई यूज़ योर फ़ोन भी पूछ सकते थे, माइट हो गया वेरी पोलाइट और भी ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं माइट का एक और यूज़ दिख रहा है, मेक्स अ सजेशन, मतलब अगर आप सजेस्ट कर रहे हो कुछ तो ये बता दो कि ये वेरी पोलाइट सिचुएशन के लिए, लाइक बहुत ही पोलाइटली बोलना चाहते तो आप बोले यू माइट ट्राई कॉलिंग द हेल्प डेस्क। ठीक है, सजेस्ट कर रहे हैं आप किसी को, क्लियर। Now will and would, तो देखिए will indicates beliefs about the present or future, वैसे अगर देखें तो क्या दिमाग में आता है कि विल हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें बिलीव्स बताने हो अपने प्रेजेंट के लिए तो भी हम यूज़ करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, जॉन विल बी इन हिज ऑफिस, मतलब जॉन अपने ऑफिस में होगा, ये मेरा बिलीफ है, तो मैंने विल भी यूज़ किया। जिस तरीके से हम हिंदी में बोल रहे हैं होगा, बट हम फ्यूचर की बात नहीं करें, प्रेजेंट की बात करें, द सेम वे हम यहाँ भी विल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट के लिए। फ्यूचर में देख लेते हैं क्या है, विल बी लेट, तो फ्यूचर के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमें देर हो जाएगी, ये भी बिलीव बता रहे एक तरीके से। ठीक है, यहाँ आते हैं विल इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट। ठीक है, तो फ्यूचर, जैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट के जो भी सेंटेंसेस बनाते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। रोहन विल बुक द वेन्यू, रोहन वेन्यू बुक करेगा। ऑलराइट, अभी ये देखिए विल मेक्स प्रोमिसेस एंड ऑफर्स, जैसे आपको कुछ प्रॉमिस करना हो कि मैं ये करूँगा तुम्हारे लिए, मैं ये करूँगा, आई विल डू इट फॉर यू, तो वहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं। आई विल गिव यू अ लिफ्ट होम आफ्टर द पार्टी। ठीक है, विल मेक्स अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी करता है विल, कैसे, विल यू गेट द डोर, मतलब क्या तुम देख लोगे दरवाजे पर कौन है, इसका मतलब ये हुआ। बट आप ध्यान क्या दीजिएगा कि यहाँ पर भी देखिए आप, वुड मेक्स अ रिक्वेस्ट, ये भी रिक्वेस्ट करता है, विल भी रिक्वेस्ट करता है, फ़र्क क्या है, आपका वुड जो है वो पोलाइट है और ये पोलाइट नहीं है, मतलब इनफॉर्मल अगर सेटिंग है तो आप विल यूज़ करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वुड यू कॉल बैक लेटर, ये पोलाइट हो गया। ऑलराइट, यहाँ पर देखते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ विल, क्या, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम विल को वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए आई थॉट, क्योंकि ये पास्ट है, आई थॉट तो मैं बोलूँगी वी वुड बी लेट, मुझे लगा हमें देर हो जाएगी, ये पहले की बात है। अगर मैं अभी बोलूँगी इसी चीज़ को तो बोलूँगी आई थिंक वी विल बी लेट, तो यहाँ क्या है, आई थॉट वी वुड बी लेट, पास्ट में गए। ये देख लीजिए वुड इंडिकेट्स पास्ट हैबिट्स एंड रूटीन, ये बड़ा ज़रूरी है, मतलब पास्ट में जो आपकी हैबिट थी, जो आप बार बार करते थे, जो आपका रूटीन था, उसके लिए आप वुड का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम मोस्टली यूज टू का यूज़ करते हैं। सो शी वुड ऑफन वर्क लेट, शी यूज टू भी यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शी वुड ऑफन वर्क लेट, मतलब वह अक्सर देर तक काम करती थी। ऑल राइट, Now we are talking about can and could. But guys, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। तो देखिए कैन का क्या है, कैन इंडिकेट्स एबिलिटी, कुड ऑल्सो इंडिकेट्स एबिलिटी, उसी में आप देखेंगे कि कैन के पास्ट के रूप में हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ क्या है, शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, मतलब वह कई भाषाएं बोल लेती है, तो यहाँ पर आएंगे, ये मैं बोल सकती हूँ शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो कई भाषाएं बोल लेती थी। ऑलराइट, अगर पास्ट की बात करें तो हम इसमें इसे यूज़ करते हैं। कैन इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए कुड, कुड इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी, मतलब दोनों, बट फर्क देखिए क्या है, दे कुड बी एट होम, मतलब मे बी दे आर एट होम, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, बट क्या हम गेस कर सकते हैं कि हाँ वो घर पर हो सकते हैं, दे कुड बी एट होम। और यहाँ पर क्या है, जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट इज पॉसिबल, एक जनरल स्टेटमेंट कि क्या हो सकता है। सो यू कैन ईजिली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, मतलब ऐसा अक्सर होता है कि लोग खो जाते हैं इस टाउन में, इसलिए मैं बोल रही हूँ यू कैन ईजिली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन। ऑलराइट, कैन आस्क्स एंड गिव्स परमिशन, मतलब परमिशन लेना हो, परमिशन देना हो, कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन वी गो होम, क्या हम घर जा सकते हैं, येस यू कैन, मतलब दे दिया, परमिशन देने के लिए भी यूज़ किया। यहाँ पर क्या है, कुड आस्क्स परमिशन, मांगता तो है बट देने के लिए हम कुड का यूज़ नहीं कर सकते। सो कुड वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं, येस यू कैन, मतलब परमिशन देना है तो आप कैन का यूज़ करेंगे, आप कुड का यूज़ नहीं करेंगे। और एक चीज़ कि ये फॉर्मल और पोलाइट होता है। ठीक है, कुड कैन से फॉर्मल है, पोलाइट है। यहाँ आते हैं कैन मेक्स अ रिक्वेस्ट, कैन यू टेल मी द टाइम, कुड ऑल्सो मेक्स अ रिक्वेस्ट, बट ये पोलाइट है, कुड यू टेल मी द टाइम। ठीक है, ये पोलाइट हो गया। तो मोस्टली मैं यही कहूँगी किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पोलाइटली बोलें, फ्रेंड्स में कैन चल जाएगा। यहाँ आते हैं कैन मेक्स एन ऑफर, कैन आई हेल्प यू, ऑफर दे रहे हैं। और यहाँ क्या है, कुड मेक्स अ सजेशन, किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, यू कुड ईट आउट टुनाइट, तुम आज रात बाहर खा सकते हो। अब हम बात करेंगे शैल और शुड की, लेकिन अब हम इन्हें कंपेयर नहीं करेंगे। गाइज वैसे अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दिल मांगे मोर, या फिर अगली वीडियो का टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। शैल इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन, जैसे आपने विल के बारे में समझा, पहले क्या था, पहले आई और वी के साथ हम सिर्फ और सिर्फ शैल का यूज़ करते थे, बाकी सबके साथ विल का। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में आप सबके साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, बहुत ही फॉर्मल सेटिंग है तो आप शैल का यूज़ करते करते हैं, सो आई शैल अटेंड। मोस्टली हम क्वेश्चंस में शैल का यूज़ करते हैं। शैल वी अरेंज अ मीटिंग, क्या हम मीटिंग अरेंज करें। और क्या है, शैल मेक्स एन ऑफर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर पोलाइटली आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, शैल आई डू समथिंग, शैल आई हेल्प यू विद दैट। ऑल राइट, यहाँ आते हैं शुड मेक्स अ सजेशन, कुछ सजेस्ट करता है कि चाहिए का सेंस आता है। यू शुड वॉच दैट फिल्म, तुम्हें वो फिल्म देखनी चाहिए। शुड इंडिकेट्स लाइक्लीहुड, ठीक है, तो लाइक्लीहुड के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। माई बेबी ब्रदर शुड बी अस्लीप बाय नाउ। ऑल राइट, अब बात करते हैं मस्ट की। मस्ट इंडिकेट्स ऑब्लिगेशन, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। साइक्लिस्ट मस्ट वेयर हेलमेट्स, मतलब साइक्लिस्ट को हेलमेट पहनना ही चाहिए, तुम्हें ये करना ही चाहिए वाला जब सेंस आए तो आप मस्ट यूज़ करें। मस्ट इंडिकेट्स लाइक्लीहुड, ये क्या है, यू मस्ट बी वेरी प्राउड, मतलब तुम बहुत प्राउड फील कर रहे होगे पक्का। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसके बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा किया, तो आपको क्या लग रहा है, आप उसे क्या बोलने वाले हैं, आपको पक्का ये पता है कि उसे बहुत प्राउड हो रहा होगा, तो आप बोलेंगे यू मस्ट बी वेरी प्राउड। कोई कुछ काम करता है, बहुत थक गया होगा, तो आप बोलते हो यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, ठीक है। अब आते हैं ऑट टू पे। ऑट टू इज सिमिलर टू शुड, जैसे आप शुड का यूज़ करते हैं ना वैसे ही इसका भी यूज़ होता है। वी ऑट टू लीव नाउ, हमें अब निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं शुड से, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। सो ऑट टू गिव्स एन एडवाइस, जो कि आपने यहाँ देखा। ऑट टू इंडिकेट्स लाइक्लीहुड, ये भी लाइक्लीहुड बताता है। रोहन ऑट टू बी हियर बाय नाउ, रोहन शुड बी हियर बाय नाउ, मतलब रोहन को अभी यहाँ होना चाहिए। आई होप आपको ये सभी मॉडल वर्ब्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में आपने ये सीखा कि हम कैन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कुड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने और वीडियो बनाई है जो कि ये रही, और इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे परमिशन लेना हो तो आप कौन कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ऑब्लिगेशन बताना हो तब आप कौन कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा, इसे देखने के लिए आपको वहाँ आई बटन पर क्लिक करना होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, आप प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद।